हिंदी व्याकरण क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल, किंतु हिंदी व्याकरण में संधि की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। परिभाषा: दो वर्णों के आपसी मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। उदाहरण: पुस्तक जोड़ आलय, यहाँ पर हर्ष आ और आलय में दीर्घ आ, ये दोनों मिलकर बने हैं दीर्घ आ। तो यहाँ पुस्तक जोड़ आलय, इससे शब्द बना है पुस्तकालय। दूसरा उदाहरण: नर जोड़ ईश, नर में हर्ष आ और ईश में दीर्घ ई, दोनों मिलकर बने हैं ए। तो यहाँ है नर जोड़ ईश, मिलकर बना है नरेश। आगे है संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पुस्तकालय संधि युक्त शब्द है, अर्थात संधि के साथ जुड़ा हुआ यह शब्द है। इसको अलग करेंगे तो पुस्तक जोड़ आलय, तो ये है संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। आगे है नरेश, संधि युक्त शब्द है, इसको विच्छेद किया हुआ है नर जोड़ ईश, तो जब हम इसे विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा नर जोड़ ईश। आगे है संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग। आइए हम देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण। पहला है स्वर संधि। दो स्वर वर्णों का आपस में मिलने पर जो विकार आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में दो स्वर वर्णों का आपस में मिलन होता है, दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण है अ जोड़ आ, हर्ष आ और दीर्घ आ मिलकर बने हैं दीर्घ आ। जैसे हिम जोड़ आलय, यहाँ पर हिम माँ में हर्ष आ है और आलय में है दीर्घ आ, ये दोनों मिलकर बने हैं दीर्घ आ, अर्थात हिम जोड़ आलय बना है हिमालय। दूसरा है दीर्घ आ और हर्ष आ, ये मिलकर बने हैं दीर्घ आ। जैसे परीक्षा, यहाँ दीर्घ आ है, अर्थी यहाँ हर्ष आ है, ये दोनों मिलकर बने हैं दीर्घ आ, तो शब्द बना है परीक्षा जोड़ अर्थी, इससे बना है परीक्षार्थी। आगे है हर्ष ई और हर्ष ई, ये दोनों मिलकर बने हैं दीर्घ ई। जैसे रवि जोड़ इंद्र, रवि में हर्ष ई, इंद्र में हर्ष ई, यहाँ रविंद्र बने हैं मिलकर दोनों दीर्घ ई, तो रवि जोड़ इंद्र बना है रविंद्र। आगे है दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर बने हैं दीर्घ ई। जैसे रजनी जोड़ ईश, यहाँ रजनी में दीर्घ ई, ईश में दीर्घ ई, रजनीश बना है शब्द, उसमें दीर्घ ई लगा हुआ है। आगे है हर्ष उ मिलकर बने हैं दीर्घ उ। जैसे भानु जोड़ उदय, यहाँ पर हर्ष उ, उदय में हर्ष उ, भानुदय दीर्घ उ बना है, भानु जोड़ उदय भानुदय। आगे है हर्ष अ और हर्ष ई मिलकर बने हैं ए। जैसे सूर जोड़ इंद्र बना है सुरेंद्र, सूर में हर्ष अ, इंद्र
सकते हैं। जैसे इसका पहला नियम है का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का तीसरा वर्ग ग, ज, ड, ध और ब में बदल जाता है। ये जो पहला वर्ण है ये तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये पहला वर्ण है और ये तीसरा वर्ण है, तो जब ये मिल जाता है तो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे का ग हो जाना, दिक जोड़ अंबर, ये का है, यहाँ दिक जोड़ अंबर बना दिगंबर, ग में बदल गया ये का। चौपर जौ हो जाना, जैसे अच जोड़ अंत, यहाँ पर च है, यहाँ पर बन गया अजंत, ये च का ज हो जाना। आगे ट पर ड होना, षट जोड़ आनंद, षडानंद, ये ट ड में बदल गया है, षट जोड़ आनंद बना है षडानंद। आगे त पर द में बदलना, सत जोड़ गति, यहाँ त बना है सत गति, द में बदल गया, ये त वाला द में बदल गया। तो ये पहला नियम है, पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। दूसरा नियम है त संबंधी नियम, अर्थात ये जो त है जैसे च और ल, त हलंत में बदल जाते हैं। उत जोड़ चारण, शब्द बना है उच्चारण, ये त च में बदल जाता है। उत जोड़ लेख, त हलंत ल में बदल गया है, तो उत जोड़ चारण बना है उच्चारण और उत जोड़ लेख बना है उल्लेख। तीसरा नियम है मा संबंधी नियम, सम जोड़ गति, इससे शब्द बना है संगति, यहाँ पर जो बिंदु है ये मा, इसमें बदल गया है बिंदु में। सम जोड़ देह, इससे शब्द बना है संदेह। आगे सम जोड़ सार, इससे बना है संसार, तो ये है मा संबंधी नियम। तो व्यंजन संधि में वर्णों का परिवर्तन होता है, पहला है पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना, दूसरा नियम है त संबंधी नियम और तीसरा है मा संबंधी नियम। आगे तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग का जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग का ओ संबंधी नियम, तो विसर्ग कैसे ओ में बदल जाता है, ये इसका पहला नियम है। जैसे यहाँ मना जोड़ बल, इससे बना है मनोबल, तो ये जो विसर्ग है ओ में बदल गया, यहाँ ओ संबंधी नियम है, मना जोड़ बल बन गया है मनोबल। दूसरा है मना जोड़ भाव, इससे बना है मनोभाव। पय जोड़ धर, इससे बना है पयोधर। तो विसर्ग संधि का पहला नियम है ओ संबंधी नियम, ये विसर्ग ओ में बदल जाते हैं। दूसरा नियम है विसर्ग का रा संबंधी नियम, विसर्ग रा में बदलते हैं। नि जोड़ धन, यहाँ पर विसर्ग है नि जोड़ धन, इससे बना है निर्धन, ये रा में बदलता है। दुख जोड़ आत्मा, यहाँ ये विसर्ग है रा में बदल गया है दुरात्मा। आगे है नि जोड़ बल, ये विसर्ग रा में बदल गया है तो शब्द बना है निर्बल। तो दूसरा नियम है र संबंधी नियम, नि जोड़ धन निर्धन, दुख जोड़ आत्मा दुरात्मा, नि जोड़ बल निर्बल। तीसरा नियम है विसर्ग का तालव्य श, दंत स और मूर्धन्य श में बदलना। तो ये जो विसर्ग है तीनों